काला हिरण शिकार मामले में 5 अप्रैल को फैसला। फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर की कोर्ट 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। खबरों के अनुसार 1998 के इस मामले में पिछले 20 सालों से सुनवाई जारी है और बुधवार को हुई सुनवाई में जज ने 5 अप्रैल को फैसला सुनाने की बात कही है। इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, तबू, सोनाली बेंद्रे और नीलम आरोपी हैं। आरोप है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरणों का शिकार हुआ था और जिन हथियारों से शिकार किया गया उनका लाइसेंस खत्म हो चुका था। सलमान खान को इनमें से 2 मामलों में 1 और 5 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले को सलमान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें बरी कर दिया गया। सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट 5 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है। बहस के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सलमान के अलावा इसमें सैफ अली खान, नीलम, तबू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं। यदि सलमान दोषी पाए गए तो उन्हें 6 साल की सजा हो सकती है। सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे। सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे। वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे। पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनम चंद के गवाही की वीडियो सीडी अदालत में चलाई थी। गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने चश्मदीद गवाह पूनम चंद का वीडियोग्राफी लैपटॉप पर मजिस्ट्रेट को दिखाकर अंतिम बहस की थी।